बात करते हैं कन्हैया कुमार की, जो कल से लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इसकी वजह है उनके साथ हुई प्रचार के दौरान की मारपीट, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन इसके अलावा चर्चा कन्हैया के खास अंदाज की हो रही है। क्या है वो वीडियो, इस रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया के साथ मारपीट और फिर कन्हैया का मूसे वाला अंदाज। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार के साथ कल प्रचार के दौरान जो हुआ, हर तरफ उसकी चर्चा है। कन्हैया कुमार के साथ मारपीट की गई, जब भीड़ में खड़े एक शख्स ने उनको थप्पड़ मार दिया। तस्वीरें दिल्ली के उस्मानपुर की है, जहाँ कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उस दौरान वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे, उसके बाहर भारी संख्या में भीड़ जमा थी और इसी भीड़ में हमला करने वाला शख्स भी शामिल था। देखिए कैसे कन्हैया के लिए भीड़ मौजूद है और काली टी शर्ट पहने ये शख्स माला लेकर खड़ा है, मानो कन्हैया कुमार के स्वागत के लिए मौजूद हो। कन्हैया के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे ही कन्हैया बाहर आते हैं तभी आगे बढ़ता है और फिर कन्हैया पर पहले स्याही फेंकता है और फिर थप्पड़ मार देता है। कन्हैया अपने ऊपर हुए हमले से हैरान रह गए। भीड़ ने हमलावर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। और देख सकते हैं यहाँ पर कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही फेंक दी गई है। तो देख सकते हैं ये कन्हैया कुमार के साथ हाथापाई यहाँ पर होगी। आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि आखिर कन्हैया कुमार पर हमला करने वाला शख्स है कौन। ये काली टी शर्ट और लंबी दाढ़ी वाला शख्स दक्ष चौधरी है, जो खुद को गौरक्षक बताता है और अपने साथियों के साथ कन्हैया के चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए पहुंचा था। इस मामले में आप पार्षद छाया शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। छाया शर्मा भी कन्हैया के साथ ही वहां मौजूद थी। वहीं मारपीट के बाद कन्हैया कुमार का प्रचार नहीं थमा, वो प्रचार करते रहे। भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे से ये इतना ही नहीं, कन्हैया उसके बाद भीड़ के बीच में फिर से पहुंचे और गाड़ी पर चढ़े और फिर सिद्धू मूसेवाला के अंदाज में थापी भी लगाते दिखे। वहीं कन्हैया कुमार पर हमले के बाद बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने तो कन्हैया कुमार पर खुद पर हमला करवाने का आरोप लगा दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए और मुझे तो लगता है कि ऐसा वो करवा भी सकते हैं अपने पे, क्योंकि अभी क्या है कि कोई केयर नहीं कर रहा है और वो जिसके भी घर पे चले जाते हैं और कोई पांच दो आदमी अगर उनके साथ घूम लिया अपनी पार्टी के दबाव में, तो बाद में उसके हित मित्र रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं कि कहाँ देशद्रोही के साथ घूम रहे हो, ऐसी सब बातें करते हैं। कन्हैया कुमार इस लोकसभा चुनाव में पहली बार दिल्ली की सियासत में उतरे हैं, जहाँ उनका सामना उत्तर पूर्वी दिल्ली के दो बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी से है और इस मुकाबले के बीच कन्हैया पर हुए इस हमले ने दिल्ली की सियासी लड़ाई को और बड़ा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।